नमस्ते, मैं उदयन आर्य। आज आपको गुरु बिरजानंद गुरुकुल महाविद्यालय करतारपुर, जिला जलंधर, पंजाब में स्थित है और ये महाविद्यालय गुरु बिरजानंद जी के नाम पर है और ये उनकी जन्मस्थली है। जो महर्षि दयानंद के गुरु हुए हैं और उसी में ये महाविद्यालय चलाया जा रहा है और वर्तमान में इसकी बहुत सारी गतिविधियों में एक गतिविधि है वाग्वर्धनी सभा। तो ये सभागार वाग्वर्धनी सभा के लिए है। प्रति सप्ताह अंतिम दिन यहाँ पर वाग्वर्धनी सभा होती है। तो लीजिए, प्रस्तुत है छोटा सा रूप इस वाग्वर्धनी सभा का। धन्यवाद। भारतवर्षस्य पवित्रभूम्याम् अनेकानां महापुरुषाणाम् आविर्भावः अभवत्। तेषु महापुरुषेषु एकः महर्षिदयानन्दः। महर्षिदयानन्दस्य जन्म गुजरात प्रान्तस्य मोर्बी जनपदे टंकारा इति नाम्नि ग्रामे अभवत्। महर्षिदयानन्दस्य मूल नाम मूलशंकर आसीत्। तस्य गुरु नाम श्री गुरुवर्जनं गुरुवर्जानन्दः आसीत्। धन्यवाद। साम्प्रतम् अहं चन्द्रकान्त महोदयः निवेदयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमस्मि चन्द्रकान्तः। मैं आपके सामने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताना चाहूंगा। प्लास्टिक सर्जरी भारत में लगभग 2000 ईस्वी पूर्व ही हो गई थी। आज जिस प्लास्टिक सर्जरी के शुरू होने का श्रेय कई देश लेते हैं, वही प्राचीन भारत के महान सर्जन सुश्रुत ने सालों पहले इसकी शुरुआत कर दी थी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम प्रणव फॉर फ्रॉम बिरजानंद गुरुकुल। आई वांट टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ यू माय थॉट्स ऑन नेशन बिल्डिंग। टुडे वी आर इंडिपेंडेंट, बट वी आर नॉट एबल टू बिल्ड एन आइडियल नेशन। और मोस्ट पीपल our country prefer to only address to the national interest. For it, we have to meet social workers. Thank you. अंत में मैं समय का महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। एक घटना के माध्यम से यह घटना उस समय की है जब महात्मा गांधी देश प्रचार के लिए सहयोग आंदोलन के लिए प्रचार कर रहे थे। उस समय क्या हुआ, एक सभा में महात्मा गांधी को बुलाया गया। वहां पर जब महात्मा गांधी पहुंचे तो वहां के जो आयोजक थे 45 मिनट लेट पहुंचे, इसलिए गांधी जी ने सभा का आरंभ कर दिया। जब सभा आयोजक पहुंचा तो देखा कि सभा मेरे अनुपस्थिति में प्रारंभ है, तो उन्होंने प्रस्तुत किया कि सभा कैसे प्रारंभ हुई। तो महात्मा गांधी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि देखिए, जिस सभा के जिस देश के अग्रजन ही लेट देरी से चलेंगे तो देश ही हमारा पीछे रहेगा, इसलिए मैंने सभा का आरंभ कर दिया, मुझे क्षमा करें। अर्थात कहते हैं जो समय को संवार रहता है उसका जीवन संवर जाता है। धन्यवाद। इस प्रकार से आपने देखा ये वाग्वर्धनी सभा का छोटा सा प्रारूप। इन सभाओं के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि विद्यार्थी की बौद्धिक विकास हो, बोलने की क्षमता का विकास हो, विचारों का आदान प्रदान कैसे करना है लोगों के बीच में, इस प्रकार की क्षमता का विकास हो, ये उद्देश्य है वाग्वर्धनी सभा का। तो और न केवल संस्कृतम अपितु आंग्लम हिंदी अन्यासाम भाषाणाम अपि बालकः अत्र वाग्वर्धनी सभायाम् अभ्यासः कुर्वन्ति। धन्यवादः। Thank you.
करते हैं।